तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस माइक को फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेस कर लेते हैं बट उन्हें इसका यूज करना नहीं आता है तो वो इसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना बताएंगे किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको दोस्तों खोलते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपके लिए ये कनेक्टर मिल जाता है। ठीक है, दो कनेक्टर और मिल जाते हैं। अगर आपको कोई एक्सटर्नल माइक यूज करनी है तो इन दो कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इसका कोई काम नहीं, इसको इधर रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है चार्जिंग केस। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक रिसीवर मिल जाता है जो कि सी टाइप का रिसीवर है, और दोस्तों यहाँ पर आपको दो माइक मिल जाती है। ठीक है, तो आप दोस्तों हमें क्या करना है, इस फोन के सी टाइप वाले में इसको इनपुट करा देना। ठीक है, और दोस्तों इसको क्या करना है, हमें इसको करंट देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर सर्च करना है OTG। ठीक है, तो OTG कनेक्शन आपको मिलेगा, इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप OTG कनेक्शन इनेबल कर देंगे दोस्तों तो आपको क्या होगा, इसमें करंट आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ पर दो माइक मिल जाती है। अब किसी एक माइक को मैं उठा लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक LED मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, केवल इसमें दो ही सेटिंग है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ तो, और मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑन करके दिखाता हूँ इसको दोस्तों। इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करना है। अब दोस्तों शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें ग्रीन एंड रेड लाइट जो वहाँ पर ब्लिंक कर रही होगी। ठीक है, तो जब ग्रीन और रेड लाइट लगातार ब्लिंक कर रही है, कभी रेड कभी ग्रीन लाइट जल रही है, तो ये कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसकी पहचान ये है कि केवल ग्रीन लाइट कंटिन्यू जलती रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं दोस्तों इसको इसमें लगाता हूँ, अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ग्रीन लाइट हो गई है। ठीक है, तो इसको करंट मिल गया OTG से एंड यहाँ पर दोस्तों आपकी लाइट होगी ग्रीन होगी। अभी हमारा माइक तो कनेक्ट हो गया, बट दोस्तों हमारा ये माइक आपके फ़ोन के नॉर्मल कैमरे में काम नहीं करता है। ठीक है, इस माइक को हमने इसलिए मंगाया कि पहली बात तो ये वायरलेस है, दूसरी बात ये बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है। ठीक है, मैं अभी छत पर हूँ, यहाँ पर बहुत सारी हवा चल रही है एंड कोई भी पशु पक्षी किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही है तो उसको ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अभी मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मेरे फ़ोन का नॉर्मल कैमरा है एंड उसी से मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, कोई मेरे पास माइक नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ये OTG कनेक्शन मैं उस वाले फ़ोन में लगाने वाला हूँ। और इसकी दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है एंड ओपन कैमरा नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन कैमरा को इंस्टॉल कर लोगे, 2-3 MB का ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है। और आपके नॉर्मल कैमरे से ओपन कैमरे में ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर और अच्छे हैं। अब मैं इसको उसमें लगा लेता हूँ, तो अब तक जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी वो मेरे फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड हो रही थी, अब इससे रिकॉर्ड होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना फ़र्क है। ठीक है, तो इसको मैं उसमें लगा लेता हूँ। तो मैंने उस रिसीवर को मैंने उस फ़ोन में लगा लिया है, तो अभी जो मेरी ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसके लिए ओपन कैमरा का इस्तेमाल किया गया, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इससे और उस वाले मतलब मेरे उस फोन के कैमरे से जो वॉइस का रिकॉर्ड भी डिफरेंट है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दोस्तों शायद मुझे लगता है ये इस बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर रही होगी। ठीक है, और इसमें दोस्तों 3 मोड होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बटन है, अगर मैंने इसको 2 बार दबा दिया तो ये म्यूट हो जाएगा। अब मैंने इसको वापस 2 बार दबाया तो शायद ये नॉर्मल मोड में आ गया होगा। ठीक है, मुझे फिलहाल अभी पता नहीं है, एडिटिंग करते समय पता चल जाएगा। तो अगर ये नॉर्मल मोड में आ गया, ठीक है, एक और मोड है दोस्तों, अगर मैंने इसको 3 बार दबा दिया तो ये इको में मतलब मेरी जो वॉइस है वो इको में आएगी। ठीक है, शायद अभी जो मेरी आपको आवाज आ रही होगी वो इको में सुनाई दे रही होगी। ठीक है, और इसको अगर आपको ऑफ करना है तो दोबारा से 3 बार दबा देना है। अब शायद ये नॉर्मल मोड में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत से लोगों को ये कनेक्ट करना नहीं आता, इसका यूज करना नहीं आता, तो वो इसको वापस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको वापस नहीं करना है, मैंने इस वीडियो में केवल इसको कनेक्ट करना बताया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको भी ये खरीदना है तो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर इसको देख लेना, क्योंकि दोस्तों वहां पर मैंने सब बता रखा है। ठीक है, इसका कितना प्राइस है, कैसे खरीदना है, आपकी यूट्यूब वीडियो के लिए, इंस्टाग्राम वीडियो के लिए अच्छा है नहीं है, एंड इसका बैटरी बैकअप कितना है। और आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम को, वहां पर मुझे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको एडिटिंग से रिलेटेड किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत होगी तो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।